नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्टेंबर पेंट और प्लास्टिक पेंट यानी कि हमारे इमोशन पेंट के बारे में कुछ बात करेंगे और दोस्तों इन पेंटों की खूबियों के बारे में भी हम बात करेंगे। इन पेंटों में से हमको कौन सा पेंट अच्छा रहेगा घर के लिए, तो ये भी हम बातचीत करेंगे। और फाइनल में हम ये बात करेंगे कि डिस्टेंबर पेंट का कुछ अच्छाई के बारे में भी हम बात करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बन रहे ताकि आप कुछ जान सकें। और दोस्तों आप घर को नए घर को कलर करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ठेकेदार हो या पेंटर हो तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जानना हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम घर को कौन सा पेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे घर के दीवारों और सीलिंग को सुंदर करने के लिए हम विभिन्न प्रकार रंगों से पेंट करते हैं घर को। और दोस्तों हमको पता है पेंट करने का पुराना तरीका है घर को डिस्टेंबर करना, यानी कि डिस्टेंबर कलर से पेंट करना। ये बहुत पुराना पेंट करने का तरीका है, लेकिन दोस्तों आजकल के ज़माने में कई तरह का पेंट बाज़ार में उपलब्ध है। दोस्तों घर को सुंदर लुक देने के लिए हजारों तरीके का शेड का कलर उपलब्ध है बाज़ार में, और ये दोस्तों घर को सुंदर बनाने में सक्षम भी है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो कि हमारे इमोशन पेंट यानी कि प्लास्टिक पेंट के बारे में, ये दोस्तों बहुत शेड्स के कलर में उपलब्ध है बाज़ार में, तो ये लाकर आप लगा सकते हैं। और ये जो मैंने बताया पहले से जो कि डिस्टेंबर, ये पुराना जमाने का कलर है, लेकिन डिस्टेंबर के मुकाबले इमोशन पेंट थोड़ा बहुत महंगा होता है। लेकिन दोस्तों इस पेंट को लगाने के बाद आपको बार बार घर को पेंट करना नहीं पड़ता है। ये डिस्टेंबर के हिसाब से अच्छा लुक तो देता है और फिनिशिंग भी देता है, और ज़्यादा दिन तक लास्टिंग भी ये देता है। दोस्तों इस पेंट को आप एक बार पेंट करने से मिनिमम 5 साल तक ये पेंट दीवारों में टिके रहते हैं। और दोस्तों इस पेंट का एक और खासियत यही है कि इन पेंट आप करते हो तो, यानी कि इमोशन पेंट या प्लास्टिक पेंट आप घर को करते हो तो, इन पेंटों के ऊपर कुछ दाग धब्बे लग जाए तो उन दाग धब्बे को आप आसानी से हटा सकते हो। तो इमोशन के बारे में यही था दोस्तों कुछ ट्रिक्स और कुछ अच्छाई। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों डिस्टेंबर के ऊपर। दोस्तों डिस्टेंबर पेंट हम बाज़ार में उसको सूखे पाउडर और लिक्विड के तरह भी बाज़ार में ये अवेलेबल है। इसको दोस्तों हम भीतर के साइड मार सकते हैं और आउटसाइड भी मार सकते हैं, लेकिन आउटसाइड मारने के लिए इसका कुछ कंडीशन है। डिस्टेंबर का एक ऑयल बेस्ड मिक्सड पेंट आता है, उसी को हम बाहर के साइड मार सकते हैं, और इसको दोस्तों पाउडर और लिक्विड को हम आसानी से पानी में मिला सकते हैं। पानी में मिलाकर हम घोल सकते हैं इसको, और बाहर के लिए डिस्टेंबर में ऑयल की मात्रा होता है, उसी डिस्टेंबर को हम बाहर लगा सकते हैं, जिसके कारण ये धूप और पानी को दीवारों से बचाता है। और भी दोस्तों हम डिस्टेंबर में कई तरह का कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको कलर करने के लिए विभिन्न प्रकार बाज़ार में उपलब्ध स्टेनर लाकर हम डाल सकते हैं उसी में, और रंजक भी लाकर उसी में मिला सकते हैं, यानी कि हमारे जो पाउडर का डिस्टेंबर आता है उसी में हम मिला सकते हैं आप चाहते हो तो। और इसका तो कलर का तो आ जाता है, आप चाहते हो तो स्टेनर और रंजक मिला सकते हैं। ये दोस्तों मारने के लिए प्राइमर का आवश्यकता नहीं रहता है, आप नए दीवार में मार सकते हैं, लेकिन अच्छा लुक और फिनिशिंग अच्छा दिखाई देने के लिए और गाढ़ापन रहने के लिए आप प्राइमर या वाइट सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से डिस्टेंबर का अच्छा लुक प्रदान करता है और अच्छा फिनिशिंग भी आता है। आप डायरेक्ट मारते हैं तो उसका इतना अच्छा गाढ़ापन नहीं आता है। दोस्तों डिस्टेंबर धूप के रसनी में सूखने के बाद, यानी कि पूरी तरह से धूप में ड्राई होने के बाद, उसमें आने वाले दरार और पपड़ी जैसे दीवारों में आने वाले समस्या को ये पूरी तरह से हटा सकता है। लेकिन ये भी दोस्तों निर्भर करता है कि आप प्लास्टर के टाइम में वाटर क्यूरिंग का नियम पालन किया है कि नहीं। वाटर क्यूरिंग का नियम पालन किया है तो ये अच्छी तरह से दीवारों में दरार आना और पपड़ी आने से पूरी तरह से बचाता है,
और दोस्तों ये लंबे समय तक दीवारों में बने रहते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बस आज इतना ही। मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ आपके मन में कुछ भी इसके रिलेटिव क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।